अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं पका रही हूँ बिरयानी विद मॉम हेल्प, मतलब मम्मा की हेल्प ले रही थी मम्मा की। तो बिरयानी बताएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पकाऊंगी मैं बिरयानी। इसमें है ब्लैक चिली काली चिली की जगह, ठीक है, और मैंने बर्तन भी कहा अभी बताऊँगी ऐसे किया था तो ऐसे करके बर्तन दिखती है मेरे। ये बोतलें मैंने टॉप फ्रिज में से निकाली है गरीब मम्मा के लिए, इसलिए वो ठंडा पानी पी सकती तो उनके लिए गर्म पानी। सिंक क्लीन एंड क्लीन कर चुका हूँ मैंने, ये सारे बर्तन हो गए मेरे। आज पूरा दिन खाने पीने में गुजर गया क्योंकि एक तो बड़ी मम्मा की तबीयत भी खराब थी और बाकी सब कुछ ठीक होता है, तो मतलब एक आता था एक जाता था मेहमान से, हम लोग उनके साथ खा पी। हमने इन प्याजों को होने देना है ब्राउन, तो मैं थोड़ा ब्राउन करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं इसे ही हिला ही दूँगी फिलहाल, पहले बर्तन धो रही थी तो इधर मैंने रख दिया तब के रही देख सकते हैं कितने देखे हो गए हैं प्याज। ये देख लीजिए प्याज, ठीक है, बहुत अच्छी है। सो गाइस, अभी मैंने मिर्ची डाली है, टमाटर डाला है, लहसुन डाला है और प्याज वो अदरक डाली है, और अभी हम इन्हें करेंगे चॉप। ये चॉप होएंगे और क्यों नहीं रहा, थोड़ी लगाई नहीं है। सो गाइस, ये चॉप चीज़ें हो रही हैं, अभी हम इन्हें अच्छी चीज़ों से किस तरीके से चॉप करेंगे, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो देर ना। सो गाइस, हमारा मसाला चॉप हो चुका है, प्याज भी हमारे उड़े हैं ब्राउन। तो मैं अभी ये अनार बड़ी मम्मा के लिए बीच में से निकालूंगी, बिरयानी में शायद ही बनाऊँ इसको निकालूंगी। चले जी, इस वक्त हमने इसमें चिकन भी डाल दिया, प्याज ब्राउन आपको नज़र आ रहे होंगे और टमाटर वगैरह डाल दिए, ठीक है जी। अभी हमारा कुक हो गया चेंज, क्योंकि मेरी बेटी चली गई है, उसको आज बड़ा शौक आया था कि मैंने आज बिरयानी बनानी है। मैंने कहा अच्छा चलो, तो वीडियो भी खुद ही शूट कर रही थी और साथ साथ बिरयानी बना रही थी, तो अब देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो यूँ चुटकी बजाएंगे और बिरयानी तैयार। लहसुन अदरक भी तैयार चॉप कर लिए, ठीक है जी, इसको भी डाल देंगे। और ये ऑयल मेरे से आज ज़्यादा डल गया था तो यूँ निकाल देंगे। नमक मिर्च सारे मसाले हेड से डाल दिए हैं हमने, और अब हम डालेंगे बिरयानी की जान और हमारे पाकिस्तान की शान नेशनल बिरयानी मसाला। देखिए मैं सही करती हूँ इसको, आप क्या कर रही हो? ओके, इधर हम काले चने बना रहे हैं जी, इधर हमने दही डाल दिया। यस जी बोलो, कैसे हो आप जी? आई फॉर्म ग्रेनेड, आई हैव फॉर्म ग्रेनेड, गुड। इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? अनार। अनार की स्पेलिंग क्या है? गुड गुड, मेरी बेटी को अच्छा लगता है ये? किसके लिए? अपने लिए। ओ, तो जो बीमार बंदे उसके लिए नहीं कुछ लेकर आई? कुछ लिए, अंदर जूस पड़ा, अंदर जूस पड़ा हुआ है। आई हैव फ्रिज। बड़ी इंग्लिश मार रही हो। ओपन दी कैप। ओके फ्रेंड्स, ये देखें, ये हमारे घर में जो मरीज है ना, उससे ज्यादा तो ये जूस पी रहा है।
ठीक है। फुप्पो लेकर आई थी, वो भी इसने पी लिए मैंगो वाले, और यता भाई लेकर आए बड़ी मम्मा के लिए जी, वो तो हम गंदे पड़े हैं ना, डस्टबिन में खाली पड़े हैं। तो चलो जी, अब कौन सा अनार का जूस ये पीने लगी है जी, कौन सा जूस है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉम ग्रेनेट। पॉम ग्रेनेट। अब इसको इनटू ग्लास। गुड। चलो जी अब डालो। फ्रेंड्स इसको ना इंग्लिश बोलने का कोई जोश आया हुआ है, तो आपने इसको अप्रिशिएट करना है। ओके, बस करो बस करो बस करो बस करो, आई होप बस कर दो। आई होप, आई होप से दो वर्ड आ गए हैं तो बस वो ही। चलो ओहो बोलो, मैं फ्रेंड्स अंदर रखने लगी फ्रिज में। इंग्लिश बहुत मुश्किल है तो, चलो पियो। जूस, जूस ये वाटर थोड़ी है, जूस है। चलो मैंने फिल्म देखने था। अच्छा चलो पी के फ्रेंड्स को बताओ ना कैसा है। गुड गुड। ये मूवी देख रहे हैं या नहीं? अच्छा चले जी, हम इसी के साथ बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने थे, तो हमने अपना एक बंदा लगाया हुआ है प्रेस करने के लिए। ये देख, अप्रिशिएट करना कि नहीं करना, लाइक करना है। ये बंदा मैं कभी कभी काबू में आता है। इसी के साथ हम पेशेंट के रूम में जाते हैं, वो क्या कर रहा है, और ये पेशेंट तो सो रहा है ठीक है ना, और ये मेरा प्यारा सा बेटा जो ना क्या कर रहा है, किसके लिए? ये देख, इसको मैंने ये काम दिया हुआ है कि करो ठीक है जी, ताकि बड़ी मम्मा के लिए हम फ्रेश फ्रेश जूस बना सकें ठीक है। ये लास्ट है, ये देखिए, टैप टैप करो ना ऊपर से। कौन सी बिरयानी? जीरे वाली बिरयानी, तड़के वाले राइस की बिरयानी। तड़के वाले राइस की बिरयानी। नमक कैसा इसने छुपाया? चलें जी, चावल हमारे डन हो गए ठीक है जी। अभी हम इसको लगाते हैं दम, कहाँ से ठीक है। हाँ जी बोलो। यार नहीं करो ना, छोड़ दो ना बेटा, तरहान लग गया ठीक है जी। दुआ मांगो, दुआ मांगो। आप क्या कर रहे हो यानी? हेलो सर, पढ़ लिए एक मिनट। ओके गुड। चलें जब बिरयानी को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करते हैं। शाबाश। ये हैं जी गर्मियों के कपड़े, ओह बिस्तर, जिनको भी धो के हम करेंगे साफ ठीक है जी। और हालांकि आपको पता ही है
तीन माह हो गए आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देखते हुए, क्योंकि मैं तो करती नहीं हूँ, कपड़े वगैरह धोती नहीं हूँ, मेरी सिस्टर ही धोती हैं। तो अभी वो बीमार है तो अभी मैं ठीक है जी। चलें अभी हम कपड़े धोते हैं यूं करके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अलीना पढ़कर आ गई है ट्यूशन से और हम लोग लेकर जा रहे हैं जी इसको, बंदे को डॉक्टर के पास, क्योंकि इसके ना टांग में दर्द हो रहा है। तो हमने कहा जल्दी जल्दी से डॉक्टर को चेक करवा लें, क्योंकि ये ना हो कि जब रात को ज़्यादा दर्द हो जाए तो फिर हमें डांट पड़े। इसकी मम्मा भी बीमार है, इसको हम लेकर जा रहे हैं जी। किधर अलीना? ओके चलें जी। डॉक्टर हमारा कौन सा दूर है? ये हमारा घर और वो डॉक्टर उधर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे बच्चे आ गए हैं प्यारे प्यारे से, ठीक है ना, और ट्यूशन से। अब हम लेने जा रहे हैं आप ही को, बड़ी बेटी को लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। पता है रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से ना मैंने कहा उनको खुद ही लेकर आते हैं, क्योंकि जब से हमने अब अंधेरा ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो गया तो हम लोगों ने फिर दोनों माँ बेटा जाते हैं तीनों और उसको ले आते हैं। ठीक है, ये देखें मिलाद हो रही है, ठीक है, और साथ हम तंदूर भी देखेंगे और रोटियाँ भी। हाँ तो उसके माँ उसके बाप को छोड़ के ले गया। सलमा आ जा, व्लॉग में किस किसने आना है? ये लाइट ऑन शिकायत लगाते हैं कैसे के वक्त, और जब अपनी शिकायतों की लगाने की बारी आती है बताते ही नहीं कुछ। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम।